नमस्कार, आप न्यूट्रेला फूड तक देख रहे हैं। मैं हूँ सबा काजी और आज की खास रेसिपी जो बनाने जा रही हूँ मैं वो है सोया नवरत्न कोरमा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे न्यूट्रेला का रिफाइंड कुकिंग ऑयल। ये ऑयल आम ऑयल से काफ़ी हटकर है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें अब हम ऐड करेंगे ग्रेटेड अनियंस। आप चाहे तो अनियन पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ हम ऐड करेंगे थिनली स्लाइस्ड टमेटोज। अब प्याज और टमाटर को उस वक्त तक हमें इस तेल में भुनना है जब तक ये बिल्कुल ही सॉस की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। टमाटर हमारे गलने लग गए हैं तो अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रश्ड जिंजर गार्लिक। इसे भी हम हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे और कुछ देर के लिए और नरम होने देंगे। अब वक्त आ चला है कि हम इसमें बाकी के वेजिटेबल्स भी ऐड करें। तो बीन्स लिए है, कैरेट्स लिए है और कॉलीफ्लावर, और साथ ही साथ न्यूट्रेला के प्री कुक्ड सोया चंक्स और मटर। बहुत ही कलरफुल सी रेसिपी बनने वाली है ये। अब इसमें ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस, जैसे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, खूब सारी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। कोरमा बन रहा है तो गरम मसाले के बिना नहीं बन सकता, और दही। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें भुनना है। अब जब सारे मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं, हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। दही खुद भी अपना पानी छोड़ने वाला है तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं करना है हमें। पानी भी ऐड हो चुका है तो हम इसे थोड़ी देर पकने रखेंगे, कुल मिला के 10 मिनट और फिर ये सोया नवरत्न कोरमा तैयार हो जाएगा। हमारा सोया नवरत्न कोरमा ऑलमोस्ट तैयार है तो इसमें बस हम ऊपर से कसूरी मेथी थोड़ी ऐड करेंगे। एक हल्का सा स्टर फ्राई और हमारा न्यूट्रेला सोया नवरत्न कोरमा हो गया है तैयार। चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो हमारा न्यूट्रेला सोया नवरत्न कोरमा हो गया है तैयार। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अपने घर में और हमें बताइएगा कि कैसे बनी। न्यूट्रेला फूड तक को यूँ ही देखते रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।